अध्यात्म और ज्योतिष जगत के तमाम दर्शकों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। गोचर में बनने वाले विभिन्न योगों की चर्चा हम लगातार करते हैं। क्या शुभाशुभ के परिणाम रहेंगे उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जब सूर्य और बुध विशेष रूप में अपनी स्थिति में आ रहे हैं। हालांकि अभी सिंह राशि पर सूर्य चल रहे हैं जो स्वग्रही होकर अच्छे रूप में विराजित हैं, इसका भी एक अच्छा परिणाम आप सबको मिल रहा होगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से उसका भी अलग एक प्रभाव रहने वाला है। लेकिन जब कन्या राशि पर ट्रांजिट करेंगे और वहां पर ऑलरेडी बुध उच्च के होकर के वहां पर बैठे हुए हैं कन्या राशि में, तब डबल राजयोग यहां पर निर्माण होगा। आप समझ रहे होंगे कैसे, क्योंकि एक तो बुध का भद्र महापुरुष योग बनेगा और एक सूर्य के उनके बुध के साथ रहने से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जिसका लाभ सिर्फ चार राशियों को विशेष मिलेगा। समझ रहे हैं? तो चार राशियों पर क्या होगा, डबल राजयोग बनेगा। लेकिन इससे हट करके अगर बात करें तो वो चार और राशियां जो कि केंद्र में त्रिकोण के साथ, केंद्र त्रिकोण और आय और एकादश स्थान पर संयोग बनेगा, वहां पर भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के कितनी राशियां होगी, चार पर तो इसमें भद्र और बुधादित्य योग निर्माण केंद्र में होगा, तो उसको क्या फल मिलेगा उसकी चर्चा हम करेंगे। हालांकि हम 12 राशियों का यहां पर राशिफल आपको बताने वाले हैं। उसके बाद दो त्रिकोण हो गए, उसका क्या फल रहेगा, तो 4 और 2 6 और दो राशियां यानी आय और धन भाव, तो ये 8 राशियां होगी जिनको इसका विशेष बेनिफिट मिलने वाला है और इसी की हम आज के एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। मैं क्रमशः सभी राशियों का यहां पर आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाला हूं। स्थिति क्या, थोड़ा सा उसको एक बार समझ लेते हैं। यहां पर 20 अगस्त को ही रात्रि के समय में कन्या राशि पर प्रवेश हो चुके हैं बुध। उसके बाद अब 17 तारीख को जब राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, मैंने इसीलिए सितंबर से लिखा, सितंबर से और अक्टूबर तक का यह संयोग लगभग रहेगा, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का। इसमें क्या स्थिति बनेगी, 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 6:22 प्रातःकालीन और किस राशि पर जाएंगे, कन्या राशि। इससे क्या शुभ अशुभ परिणाम मिलेगा, क्या शुभ स्थितियां बनने वाली है, डबल राजयोग का निर्माण इन राशियों पर होने वाला है। 4 2 6 6 राशियों को विशेष लाभ के, 6 8 राशियों को सॉरी 4 केंद्र के और 2 त्रिकोण के और 2 राशियां आय और धन भाव की, तो यानी 8 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा जिसकी हम चर्चा करेंगे और 12 राशियों के फलादेश के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए राशियों के इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए यह जो समय है वह कहीं ना कहीं परिवर्तनशील और परिवर्तन को लेकर आ रहा है। जहां रुके हुए कार्य, लंबित कार्य, जो भी पेंडिंग कार्य था, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं या अपना आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं या आप नौकरी व्यवसायिक क्षेत्र नौकरी से क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपका अपना कोई कार्य है, तो उसमें आपके लंबित कार्यों को थोड़ा सा तेजी यहां पर मिलेगी। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि अनुकूलता आपके लिए कहीं ना कहीं यह समय लेकर आ सकता है और इस कालखंड के अंदर आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बस समय का उपयोग सही से करना है। देखिए, समय की हमेशा से एक विशेषता रही है, जो समय को जिसने पहचान लिया, समय के साथ जो व्यक्ति चला है वह हमेशा से आगे बढ़ता है। जिसने समय की कदर की है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, समय के साथ चलता है, और जिसने समय को पहचानने में गलती कर दी या समय के साथ चलने में भूल कर दी वह व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ज्योतिषीय आंकलनों के अनुसार, ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार, ज्योतिष परिवर्तन के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बुध का स्थान क्या है, यह भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर बुधदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हुए तो आपके लिए यह परिवर्तन तब बहुत अच्छा शुभ परिणाम लेकर आएगा। बुध की दशा जिन लोगों की चल रही है या सूर्य की दशा जिन लोगों की चल रही है उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल यहां पर रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए यह संयोग आपके पंचमस्थ होने वाले हैं, यानी फिफ्थ हाउस के अंदर यह योग बनेगा। वृषभ राशि के लिए जब यह बुधादित्य योग का निर्माण होगा तो आपके लिए निश्चित रूप से नई खबरों को लेकर यह आएगा, नए संचार को लेकर यह यहां पर बढ़ेगा, नई खबर, नई ऊर्जा, नया उत्साह के साथ आपको यहां पर
आगे बढ़ने को मिलेगा। कोई अच्छी खबर जो संतान पक्ष से मिल सकती है, आपके बच्चों की नौकरी लगने को है, नौकरी के कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कोई एग्जाम फाइट यहाँ पर किया, तो आप ये माने कि उनको यहाँ पर अच्छा लाभ मिल सकता है। घर परिवार के अंदर एक खुशनुमा जो माहौल है, जो आप चाहते हैं उस प्रकार का यहाँ पर संयोग बना रहेगा। मेहमानों की एंट्री घर में हो सकती है, आपके चहेते आपके सुहृद कहीं ना कहीं आपके घर में आने को और एक साथ मिलकर के आप कहीं ना कहीं या तो आप उनके घर जा सकते हैं या वो आपके घर आ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पारिवारिक माहौल में यहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति को देखा जा सकता है। धन की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो एकादश के संयोग में आने से यह अर्निंग के स्रोतों को बढ़ाने वाला हो। तो कुल मिलाकर इस वृषभ राशि के अंदर जब ये योग उदादित्य योग का निर्माण होगा तो ये काफी अच्छा यहां पर रहेगा। सूर्य की दशा अगर आपकी चल रही है या फिर आपकी बुध की दशा चल रही है तो काफी अच्छा यहां पर रहने वाला है। उपाय आपको क्या करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं चार मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं या फिर भगवान गणपति की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल ना भूलें। तृतीय राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। तीसरी राशि के लिए या भद्र महापुरुष योग के रूप में चतुर्थ भाव के अंदर यह योग ऑलरेडी बना हुआ है और जब सूर्य यहां पर पहुंचेंगे तो ये बुध आदित्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो आपके लिए यह बहुत अच्छा संयोग है जहां आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नई प्लानिंग आपकी कोई एक कार्य क्षेत्र को लेकर आप उसको इंप्लीमेंट में ला सकते हैं और कोई भी लंबित पड़े कार्य वो अपने आप ही उसका रास्ता यहां पर खुलता बना जा रहा है। अगर आप प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं लालायित थे, बिजनेस व्यापार के अंदर कोई पैसा फंसा हुआ था, तो इस प्रकार के अगर संयोग थे तो यह निश्चित रूप से आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं। आपका रुका हुआ धन वापस लौट सकता है। कारोबार के अंदर जो ग्रंथियां पड़ चुकी थी वह यहां पर खुलने का काम, सुलझने का काम यहां पर जो है संभव हो पाएगा और कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ अगर कोई तकरार कोई विवाद की स्थिति है तो आपको सुलझाने का मौका भी यही है। अब आप उसको कहीं ना कहीं आपस में बैठकर दूर कर सकते हैं। गिला शिकवा जिसको कहते हैं, पारिवारिक जनों के साथ में कोई गतिरोध किसी भी प्रकार का है वह खत्म हो सकता है। घर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ऐसे सामान को लाने के लिए जिसके लिए आप व्यवस्था बना रहे थे और कहीं ना कहीं धन के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में या फिर समय के अभाव में आप उसको एकत्र उसका कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, उसको नहीं ला पा रहे थे, नहीं आप खरीद कर पा रहे थे, तो उसको परचेस करने का भी यह सही समय है। आपको वो समय भी मिलेगा और व्यवस्थाएं भी अनुकूल होती हुई नजर आ रही है। चौथी राशि हम कर्क की बात कर लेते हैं। देखिए आपके पराक्रम के अंदर यह कहीं ना कहीं भाई बहनों से जुड़कर उनका जो सहयोग है वो आपको मिलने वाला है। आप उनके सहयोग से कोई नया कार्य कर सकते हैं, उनके सहयोग से आप अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लचीलापन आपको यहां पर अपने व्यवहार के अंदर अपने गतिविधियों में कहीं ना कहीं आपको एक लचीलापन लाना होगा। आप अपने मित्रों के साथ अपने पारिवारिक जनों के साथ एक अच्छे माहौल को यहां पर क्रिएट करें, उसका आपको अच्छा लाभ यहां पर मिलने वाला है। दूसरा जो खास बड़ी बात है पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर, अगर कोई विवाद की स्थितियां नजर आ रही थी, कोई समस्याएं थी तो आप उस गतिरोध को खत्म कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं और वह लाभ अब आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है कुल मिलाकर। अगर बात करें आपको भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए, अभी गणेश चतुर्थी की बात हो या लगातार वह पर्व चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं भगवान गणपति की उपासना आपको करते रहना चाहिए और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर समस्याएं आपके जीवन में थी तो उसके लिए उसके निवारण के लिए यह समय काफी अनुकूल हो सकता है, उसका लाभ ले सकते हैं। भद्र महापुरुष योग बिजनेस व्यापार के अंदर आपको लाभ देगा। आपके हेल्थ इश्यूज जो थे वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में जो समस्याएं थी उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ मिलेगा और बुध और आदित्य दोनों का भाग्य भाव से संबंध होना ये आपके भाग्य को वृद्धि की ओर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। भाग्य के साथ इसका कनेक्शन यानी आपके भाग्य में वृद्धि का संकेत इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि पर यहां पर पहले से ही भगवान सूर्य जो है अभी तो यहां पर चल रहे हैं लेकिन अब कन्या राशि में जाएंगे और ये सब स्थितियां आपके सेकंड हाउस पर बनेंगी। लग्न से सूर्य यहां पर जाएंगे, अभी जो क्रोध बना हुआ था कहीं ना कहीं अति उत्साह में कार्य करने की स्थितियां जो थी
अब ये द्वितीय भाव के अंदर जहां ऑलरेडी बुध उच्च के थे, धन के आगम स्रोतों को बढ़ा रहे थे मल्टीपल तरीके से, धन की आमदनी को यहाँ पर धनागम की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेगा, और सूर्य और बुध दोनों जब यहां पर बैठेंगे तो धन योग को बनाएंगे, आपके यश योग को बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके धन के विवाद को या पारिवारिक विवाद को या फिर प्रॉपर्टी के विवाद को, खासकर पैतृक प्रॉपर्टी, उसको अगर कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई समस्याएं थी, विवाद थी, तो उसको सुलझाने का भी यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं यहां पर मिल सकती हैं। जो प्रमोशन को लेकर लालायित थे, अपने पदोन्नति को लेकर के, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है, और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी इस कालखंड का अच्छा लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के अंदर लग्न में यह योग बनेगा, तो यहां पर भद्र महापुरुष का भी जो राजयोग का भी निर्माण है, और अब बुधादित्य का भी निर्माण होगा, तो यह डबल राजयोग का जो लाभ है वह यहां पर कन्या राशि को मिलने वाला है। सप्तम भाव से संबंधित, क्योंकि लग्न में बैठेंगे और आपके दशम भाव के स्वामी होकर बैठेंगे। अब लग्न में बैठने से यहां पर क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार का कलह प्रवेश या प्रतिकूलताएं थी तो वह अनुकूलताओं में बदल सकता है। हालांकि सूर्य यहां पर थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन बुध के साथ है इसलिए बुधादित्य योग के निर्माण से वह यहां पर मधुरताओं का संयोग भी देंगे, क्योंकि बुध अपना प्रभाव अच्छा देंगे और यह लाभ आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं तुला के लिए। तुला के लिए द्वादश में हो जाएंगे सूर्य, यहाँ पर थोड़ा खर्चे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खर्चे बढ़ने के साथ साथ आमदनी के स्रोत को भी यह मजबूत करेगा और आमदनी भी अच्छी होगी। आप यहाँ पर यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, और यात्रा तीर्थाटन या फिर आप कहीं भी जिस प्रकार से आप भ्रमण करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्राओं का संयोग यहाँ पर बनेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को विदेश जाने के भी योग यहाँ पर बनेंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए एकादश के स्थान के अंदर यह योग बनेगा, आप निश्चित रूप से धनागम के मामले का आप यह राशि काफी लक्की साबित हो सकती है, मल्टीपल तरीके से अनेक अनेक क्षेत्रों से यहां पर धन लाभ की गुंजाइश देखी जा सकती है। कार्यों में होने वाला गतिरोध खत्म हो जाएगा, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके पंचमश संतान पक्ष से आपको लाभ देगा, और कहीं ना कहीं जो संतति उत्पत्ति के लिए प्लान कर रहे थे उनको भी यह लाभ अच्छा देने वाला है। मास दो मास पर्यंत यहाँ पर थोड़ा सा सावधानियां भी रखने की आवश्यकता है, बाकी बहुत अच्छा यह कालखंड कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु की। धनु राशि के लिए भद्र महापुरुषों का निर्माण और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण दशम भाव के अंदर होने वाला है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ लाभ यहां पर देगा। तो कुल मिलाकर यह राजयोग आपके लिए, भद्र महापुरुष के लिए धनुराशि में यह बहुत उत्तमोत्तम इसको कहा जा सकता है। जो सरकारी महकमे में है, सरकारी कार्य क्षेत्र में है या राजनीति में उच्चस्थ हैं, उन लोगों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति चाहते हैं, उनके लिए पदोन्नति के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं, यानी ट्रांसफर का जो चाहते हैं उनको ट्रांसफर का यहाँ पर संयोग बन सकता है, और प्रमोशन वालों को प्रमोशन का बन सकता है। गृहिणियों के लिए भी ये योग काफी सुखद अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाला यह योग कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर भद्र महापुरुषों और बुधादित्य योग, ये दोनों योग पड़ेंगे। अगर बुध की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, या सूर्य और बुध आपके गोचर के साथ साथ अगर जन्मांग के चक्र के अंदर भी बहुत अच्छा बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहां पर कहा जा सकता है। मकर राशि नवम भाव भाग्य स्थान के अंदर यह योग बनेगा। सूर्य और बुध, बुध और आदित्य का यह संयोग आपके भाग्य में प्रवर्धन करने वाला रहेगा, भाग्य की वृद्धि करने वाला रहेगा, भाग्य के दरवाजों को खोलने वाला यह योग कहा जा सकता है आपके लिए। भाग्य की स्थिति को काफी सुदृढ़ यहां पर बनाने वाले हैं। बुध की दशा चल रही है तो आपके वाणिज्य व्यापार में बहुत अच्छी सफलताओं का संयोग बनेगा, और अगर अन्य दशा भी हैं बुध के अंदर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो गोचर के बुध आपको काफी अच्छा लाभ यहां पर देने वाले हैं। कुंभ राशि अगली राशि की बात करते हैं। कुंभ के अंदर यह कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर बन रहा है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वसीयत के हकदार आप थे, या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होने वाली है, तो उन लोगों के लिए यह कालखंड अच्छा हो सकता है। जो लोग कहीं ना कहीं कोई रिसर्च कर रहे थे, उनके लिए यह कालखंड अच्छा कहा जा सकता है। गुप्त विद्याओं में जो प्रवेश कर रहे थे या उसमें अपना दिलचस्पी दिखा रहे थे,
उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तंत्र साधना के हिसाब से भी आपके लिए अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं मंत्र साधना में आप लगे हैं तो भी आपका यह कालखंड अच्छा व्यतीत होने वाला है, इसका लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने नेत्र, दांत और इस प्रकार की जो समस्याएं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब है मीन राशि, जिसके सप्तम भाव के अंदर भद्र महापुरुष योग और अब जब सूर्य यहां पर आएंगे तो बुध आदित्य योग, आपके सप्तम भाव पर यह योग बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभत्व के साथ बैठे हुए, उच्च के साथ बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हैं, अपनी राशि के बैठे हुए हैं, तो यह गोचर में पड़ने वाला राजयोग आपको शिखरस्थ कर देगा। हर वो काम आपके पक्ष में होगा जो आप चाह रहे हैं, हर वो प्लानिंग जो आप बना रहे हैं वो आपके सिद्ध हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के भी संयोग यहाँ पर बनने वाले हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेके भी चिंतित थे, आपस में कहीं ना कहीं सूझबूझ, समझदारी के अभाव में जो संबंधों में कड़वाहट थी वह भी यहाँ पर अच्छा होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गृहिणियों के लिए यह कालखंड अच्छा रहेगा, मायके जाने का भी आपको लाभ मिल सकता है और मायके वालों का घर में आने का भी लाभ आपको मिल सकता है। कुल मिला के खुशनुमा माहौल आपके साथ बना रह सकता है। लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको अच्छा मिलने वाला है, साथ ही साथ थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा अडिगता, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर, मिला जुलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए भी यह गोचर काल काफी बेहद अच्छा साबित हो सकता है। तो दर्शकों, आप बने रहे मेष से मीन राशि पर्यंत चर्चा हमारी छोटी सी आपके साथ में, आप फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।